हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं अध्याय एक, अध्याय दो, अध्याय तीन। अध्याय तीन के बाद बच्चों हमने अध्याय चार नहीं पढ़ा है क्योंकि वह सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जो है हम अध्याय पाँच के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय पाँच में बच्चों, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में ही जानना है। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जो है सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों कि ये जो है संसाधन है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जो भी कुछ चल रहा है वो इन्हीं की वजह से ही चल रहा है, इसलिए हम जो है इन संसाधनों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को बच्चे हमने दो भागों में बांटा है, एक अक्षय प्राकृतिक, दूसरा है ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त होने वाले हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन बच्चों जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु ही हमारे वातावरण में अत्यधिक अमाउंट में उपस्थित हैं। पर अगर हम बात करें ऐसे संसाधनों की जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले या समाप्त हो रहे हैं, तो वो है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि। ये जो है सब ख़त्म होने वाले हैं। जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं हमें उनका बहुत ध्यान रखना होगा ताकि वह कभी ख़त्म ना हो। तो आइए जानते हैं इनके बारे में क्या है और कैसे प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कोयले के बारे में। कोयला के बारे में जैसे कि आपको पता है कि कोयला कैसा होता है, पत्थर जैसा दिखाई देता है, कठोर और काले रंग का होता है। इसके बाद जो आप इसका यहाँ पे चित्र भी देख सकते हैं कोयले का, आप इसे देख के याद आ गया होगा आपको, आपने लकड़ी जलाते वक्त आपसे उपलब्ध इसे पा जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों उपयोगी इसके बारे में जानते हैं बच्चों। एक तो ये ईंधन की तरह काम करता है और इससे जो है विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसके जो है ये उपयोग होंगे, इसलिए हमारे लिए खास है। अब कोयले की कहानी पढ़ते हैं कि कोयला बनता कैसे है। तो देखिए बच्चों, लगभग 300 मिलियन ईयर्स यगो, यानी 300 मिलियन साल पहले क्या था कि जो आपका ये बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जब बाढ़ आ जाती है तो वन मृदा ये सब जो है नीचे दब जाते हैं, समुद्र के तल के तले दब जाते हैं और वहीं पे संपीड़ित यानी टूटते रहते हैं। उनका ताप, उनमें ताप यानी उनमें टेम्परेचर, गर्मी जो है ऊष्मा बढ़ जाती है, उच्च दाब और उच्च ताप पर जो है ये मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे से कोयले में परिवर्तित होते रहते हैं। और 300 मिलियन बहुत लंबा समय होता है इसमें जा करके ये बनता है। जो मृत वनस्पति होती है वह धीमे धीमे में करके जो है कोयले में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ लेना है कि किस तरीके से जो है आपका कोयला बनता है। अभी हम देखते हैं कोयले की खान किस तरीके से नज़र आती है। तो बच्चों ये चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं ये कोयले की खान है, इसे ज़मीन में खोद करके नीचे से निकाला जाता है। जब कोयले की खुदाई कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। आइए जानते हैं क्या है एक एक करके। कोक देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कोक। कोक के बारे में अगर हम देखें तो कोक जो है कठोर संदंत काला पत्थर है और ये लगभग शुद्ध रूप है कार्बन का। ये जो है हमारा कोक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कोलतार के बारे में। कोलतार जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक अप्रिय गंध, ऐसी गंध जो हमें पसंद नहीं होती, काली गाढ़ा द्रव जो होता है, 200 पदार्थों का यह मिश्रण होता है। यहाँ पे देखिए इसकी फ़ोटो भी दी गई है, ये इसकी फ़ोटो है। फोटो देखने के बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। कोलतार के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसे किस किस चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सामग्री, फोटोग्राफिक सामग्री, छत का निर्माण इत्यादि में हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं कोयला गैस के बारे में। कोयला गैस के बारे में देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि कोक बनाते समय भी कोयला गैस भी उत्पन्न होती है। इसके बारे में जो है आपको बताया गया है कि यह उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। अब आते हैं बच्चों पेट्रोलियम पे। तो देखिए बच्चों, जो आपके मोटरसाइकिल, वाहन, स्कूटर इत्यादि जो भी वाहन चल रहे हो वो सब डीजल से चल रहे हो। डीजल कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से आता है। पेट्रोलियम उसका बहुत बड़ा खान होता है। जब पेट्रोलियम से इतनी ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है तो आप जान लेते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम जो है बच्चों कई सालों के बाद जो है, कई लंबे अंतराल, कई लंबे समय के बाद समुद्र के तल में जो जीव रहते हैं उन जीवों को, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे जीव हो, हैं और वहाँ पर वो जम जाते हैं और रेत तथा मिट्टी के द्वारा वो ढक दिए जाते हैं। तो लाखों बरसों में जब वहाँ पर कोई वायु नहीं होती है तो उच्च दाब और उच्च ताप पर उनकी मृत्यु के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
जिस आपको ये बताया जाएगा चित्र के द्वारा भी किस तरीके से जो है पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये चित्र दिया गया है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो है बच्चों आपका समुद्री तल है, ये जो है आपका समुद्री तल है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पेड़ पौधे जो है वो मर चुके हैं, जीव भी, और इसके बाद जो है इस पर जो है कोई मिट्टी द्वारा इसे ढक दिया जाता है। ऐसे ऐसे कई सारे तूफान आते चले जाते हैं, कई सालों लाखों सालों के बाद वो ढकता चला जाता है। तो इस पर जो है बहुत ही उच्च दाब और ताप दोनों बढ़ जाने के कारण जो है इसमें जो है पेट्रोलियम बन जाता है। पेट्रोलियम बनने के बाद देखिए जल जो है वो सबसे नीचे रहता है, फिर तेल आ जाता है और ऊपर गैस आ जाती है। यानी जब आप पेट्रोलियम की खुदाई करेंगे तो सबसे पहले आपको गैस मिलेगी, फिर तेल मिलेगा, ठीक है बच्चों। यही यहाँ पे समझाया गया है इस डायग्राम में। और यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम का परिष्करण, यानी पेट्रोलियम से हम क्या क्या पदार्थों को निकालते हैं। तो पेट्रोलियम से हम पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, इन सब का जो है इसमें मिश्रण होता है। जब इन सब से हटा करके हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो उसे हम पेट्रोलियम का परिष्करण कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम परिष्करण आप समझ चुके हैं, अब इस टेबल पे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलपीजी, देखिए एलपीजी का उपयोग हम घरों में करते हैं ईंधन के रूप में, पेट्रोल का उपयोग हम मोटरसाइकिल चलाने में करते हैं या कोई वाहन, मिट्टी का तेल हम जो है स्टोव में इस्तेमाल करते हैं, डीजल का हम फिर से मोटर वाहन में, स्नेहक तेल का स्नेहन में, पैराफिन मोम का मोमबत्ती में, और बिटुमन का हम पेंट तथा सड़क निर्माण में करते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या है। देखिए प्राकृतिक गैस जो है ऑल्टरनेटिव है सीएनजी को, जो है प्राकृतिक गैस कहते हैं। जो जो गैसेस थीं जिस पे अभी तक हम पेट्रोल डीजल पे गाड़ियां चला रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था। प्रदूषण से बचने के लिए जो है प्राकृतिक गैस का सहारा लिया जाता है। प्राकृतिक गैस से जो है प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। ये आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे बच्चों, आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इतना पढ़ने के बाद जो है जो ये पेट्रोलियम है, डीजल है या प्राकृतिक गैस है, इसको जो पाइपलाइनों द्वारा जोड़ करके गुजरात से दिल्ली के या पूरे देश के भागों में भेजा जाता है। तो प्राकृतिक गैस को त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी देखा जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन सीमित है, कौन कौन से, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये बहुत सीमित अमाउंट हमारे पास है, इसलिए हमें इनका अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत संभल करके इनका उपयोग करना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जहाँ तक संभव हो सके कैसे बचा सकते हैं हम, गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाइए, ठीक है। और यातायात लाइटों पर आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, गाड़ी का इंजन बंद कर दें। जब आप गाड़ी का मतलब जब रेड लाइट हो जाती है तो आप वेट करते हैं ट्रैफिक में, तो आपको गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, उससे आपका जो पेट्रोलियम है, डीजल है, वो बच जाता है। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। ये जो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, PCRA, ये लोगों को किस तरीके से गाड़ी चलाने की सलाह देती है और ये कहती है कि गाड़ी चलाते समय आप किस तरह से पेट्रोल डीजल बचाएं, तो ये उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। अब बच्चे जब हम जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित हो तो हम किस तरीके से इन्हें बचा सकते हैं, हम जो है कारपूलिंग कर सकते हैं, यानी वाहन को शेयर कर सकते हैं। एक ही वाहन में अगर कोई जा रहा है तो वो दो चार लोगों को लेकर के जा सकता है। इस तरीके से जो है हम इनका कम से कम सीमित उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की कोशिश करनी है करने की, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आए लेट मी नो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।